दोस्तों फाइनल के मोबाइल फोन के स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मनी व्यू एप्लीकेशन के बारे में। मैंने पिछले टाइम आपको बताया था कि 5,000 रुपये का लोन कैसे आप सिर्फ और सिर्फ आधार पैन के बेस पे लोन ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बड़े मजे की बात यह है कि आपको EMI वाली सुविधा मिल जाती है। 5,000 का लोन लिया गया था लिक्विड लोन के तरफ से, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये लोन भी क्लोज हो चुका है। आज हम दोस्तों नए वाले एप्लीकेशन की तरफ जाने वाले, एक नया लोन हमें यहाँ पर मिलने वाली है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं 5,000 के बाद अब 7,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसमें कि प्रति मंथ 1,883 रुपये पूरे 4 महीनों के लिए दोस्तों यहाँ पर लोन मिल रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी 500 कुछ रुपये यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके साथ डिटेल्स हम यहाँ पर शेयर करते हैं और आपके सामने यहाँ पर पूरी तरीके से लाइव ही अप्लाई करने वाले हैं। और ऐसे में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों KYC सबसे पहले करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर डिजी लॉकर के जरिए से करिए या फिर पेपरलेस आधार KYC। आधार KYC के ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ताकि OTP बेस पर आपको यहाँ पर KYC करनी होगी। यहाँ पर कुछ इस तरह से आधार नंबर एंटर करेंगे और इस कैप्चा को जो राइट साइड में आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी जिस तरह से भी लिखा गया है। उसके बाद लॉगिन विद OTP के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP कोड आएगा। आपको यहाँ पर 6 डिजिट का OTP कोड आपको मिलेगा आधार की तरफ से, जो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर शेयर कोड में आप 1234 बाय डिफॉल्ट एंटर कर दीजिएगा और नीचे से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देने हैं। दोबारा यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके सामने कुछ प्रोसेस चलेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर KYC वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुकी है। चलिए कन्फर्म वाले बटन के ऊपर हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं आपकी आंखों के सामने क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही है। अब हम दोस्तों अपलोड करना होगा सेल्फी, यानी एक सेल्फी आपको लेना होगा करेंट टाइम का। ध्यान रखिएगा गुड लाइटिंग होनी चाहिए। हैट यानी टोपी पहन के आप यहाँ पर नहीं करेंगे, तो आपको एक सेल्फी यहाँ पर फटाक से ले लेना है गुड लाइटिंग में, ठीक है। आपको एक सेंटर में आपको यहाँ पर सेल्फी ले लेनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशन ये परमिशन भी मांग रही है, इसी सेंटर में आपको एक सेल्फी ले लेना है। उस तरह से फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो कम से कम सिविल के ऊपर ये लोन भी प्रोवाइड कराती है। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन जो है यहाँ पर फाइनली जो एप्लीकेशन अपलोड हो चुकी है, जो भी सेल्फी थी, उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा आप इसी पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले बटन के ऊपर दोबारा आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1,883 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर चार्ज करने वाली है, 133 रुपये इंटरेस्ट भी चार्ज करने वाले पर मंथ, ठीक है। ये 4 महीने के लिए लोन मिल रहा है, पूरे 7,000 रुपये के लिए है, ठीक है। कुछ कट पीट के यहाँ पर प्रोसेसिंग फी भी कटने वाला 578 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोन की भी जो डिटेल्स है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, रेसिडेंट एड्रेस वगैरह। पहले लोन जो लिया गया था कोटक महिंद्रा बैंक के साथ लिया गया, तो ऑलरेडी वेरीफाई है। यहाँ पर लेंडर देख सकते हैं KSF है, जो कि किस्तों सेवन फाइनेंस है, उन्हें के जरिए से इस बार लोन सेक्शन होने वाली है। और आप यहां पर देख सकते हैं 6,422 रुपये यहां पर चार्ज किया जा रहा है, सॉरी बैंक अकाउंट में भेजा जाएंगे, यानी 6,422 रुपये। प्रोसेसिंग फी 578 रुपये लिए जा रहे हैं भैया, 7,000 का लोन है, ठीक है। पहले लिक्विड लोन के तरफ से लोन मिला था, इस बार अलग तरीके से मिल रहा है, अलग लेंडर से, जिस कारण से हमें दोबारा यहाँ पर KYC करनी पड़ी है। उसके बाद जिस कंपनी में ये एम्प्लॉयर काम करते थे वहाँ की डिटेल, कंपनी के एड्रेस बकायदा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर हम रेटिंग भी थोड़ा बहुत दे देते हैं। उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन इंस्टेंटली हो जाती है, फिलहाल अभी इन प्रोग्रेस में है, तो आपको कुछ इस तरह से रिफ्रेश कंटिन्यू करते रहना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है और ध्यान दीजिएगा आपका जो 7,000 का लोन है वो पूरे देख सकते हैं 4 महीने के लिए है, और यहाँ पर लोन की एप्लीकेशन और लोन आईडी आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हुए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर इनेबल नहीं कर पाएंगे EMI ऑटो डेबिट सेटअप। चलो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, रिव्यू हो चुका है। यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट जो ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग फी के साथ टैक्स भी कट रहा है, तो 6,332 रुपये यहाँ पर फाइनली चार्ज जो भी है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कंफर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तब जाके हम EMI ऑटो डेबिट सेटअप प्रोसेस करेंगे, यानी नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया है,
किस्तु सायोन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए से, जो कि एनबीएफसी कंपनी है, इन्हें के जरिए से इस बार लोन सेक्शन होने वाली है। चलिए कंफर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ दोस्तों यहाँ पर काम करना है। एप्लीकेशन को बैक बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर दोस्तों गलती करते हैं। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो रिकमेंड करता है भाई डेबिट कार्ड के जरिए से ही करिए, क्योंकि नेट बैंकिंग के साथ देखो यूजर आईडी और पासवर्ड कभी कभी किसी के पास होता नहीं है, या फिर मिसलीडिंग करते हैं, गलती करते हैं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। डेबिट कार्ड से आप यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। पिछले टाइम कोटक महिंद्रा बैंक का ऑलरेडी दिया गया था, इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक ऑटोमेटिक आ रही है। चलिए प्रोसीड वाले बटन के ऊपर हम दोबारा क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि कितना मैक्सिमम लोन के लिए ये ईएमआई ऑटो डेबिट सेटअप होगा। प्रोसीड वाले बटन के ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है और एनपीसीआई के ये ऑफिशियल साइट्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक की डिटेल यहाँ पर देकर हमें नैच कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सीआरए नंबर डालेंगे अगर कोटक महिंद्रा बैंक यूज़ कर रहे हैं, या फिर और कोई बैंक होगी तो हो सकता है वहाँ पर डायरेक्टली डेबिट कार्ड का नंबर, सीसीवी नंबर वगैरह चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। वही सब चीज़ें आपको डिटेल यहाँ पर फिलअप कर देना है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर डिटेल दिया जा रहा है, इसके क्रम में आपको यहाँ पर सीआरए नंबर और इस कैप्चा को आप फिलअप करेंगे। गेट माई कार्ड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के साथ साथ आपको आपकी एटीएम कार्ड का लास्ट 4 डिजिट 6 डिजिट आपको ध्यान देना है कि आपका कौन सा कार्ड एक्टिव है। उसके बाद एटीएम पिन आपको यहां पर एंटर करना होगा। उसके बाद सिक्योर लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के क्रम में आपको देखना होगा और कौन सा आपका कार्ड एक्टिव है वो आपको यहाँ पर देखनी होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर कार्ड एक्टिवेट करने के बाद यानी कार्ड चूज करने के बाद अपना एटीएम पिन चूज करेंगे। सिक्योर लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देने, उसके बाद बैंक में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी की कोड आएगा 6 डिजिट का, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे और वेरीफाई वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की डिटेल दिया है, तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें डिटेल, ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाएंगे कि कितने डेट से स्टार्ट होगा और कितने इन डेट आपकी यहाँ पर क्लोज होने वाली है, ठीक है। उसके बाद टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे से प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको बस थोड़ा वेट करना है, आपको कुछ भी बैक नहीं करना, ऑटोमेटिक ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर में रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पर ई मैंडेट अप्रूवल ऑटोमेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। ट्रांजेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा कि भैया आपका ट्रांजेक्शन जो है ट्रू हो चुका है। और इस तरह से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की डिटेल दी गई है और नीचे में आपको देखने को मिलेगा ई मैंडेट सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये ऐप के अंदर में डायरेक्टली ये देख सकते हैं, इनडायरेक्टली यहाँ पर बोला जा सकता है, ये रिडायरेक्ट की जाती है और एप्लीकेशन के अंदर में आपको दोबारा से दोस्तों वही पेज पर आ जाएगा। फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना, क्योंकि और भी यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस करना बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन ये स्लो काम कर रही है। अभी आप देख सकते हैं इनेबल अभी हमने कर दिया है ऑटो डेबिट, जो कि फिलहाल अभी इन प्रोग्रेस में है, हमें यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। लो जी फाइनली वो भी चेकआउट हो चुका है। उसके बाद एप्लीकेशन को रिव्यू कर लिए, उसके बाद फाइनल एग्रीमेंट आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर आपको 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देते हुए आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा लेंडिंग पार्टनर कौन सा है, वो आपके सामने आ जाएगा। लोन अमाउंट, प्रोसेसिंग फी प्लस टैक्स, प्री ईएमआई चार्ज यहाँ पर 90 रुपये लिए जा रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस चार्ज भी लिए जा रहे हैं जो कि 134 रुपये है आईसीआईसीआई लैम्बर्ड के साथ। अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो इसे अनचेक कर देंगे, तो आपके जो भी लोन अमाउंट डिसबर्स फाइनल होने वाला था वो आपके सामने आ जाएगा 6,332 रुपये, जैसे मेरे क्रम में, ठीक है। आपके ये लोन जो है 4 महीनों के लिए 1883 रुपये प्रति मंथ है और पहली ईएमआई 5 अगस्त 2024 को जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 36 रुपये लगाए जा रहे हैं, 36% साल का ब्याज, ओके। उसके बाद आगे अगर आप संतुष्ट हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए, लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट ओटीपी के बेस पे आपको कंफर्म करना होगा। चलिए कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर अब आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा ओटीपी के बेस पे। चलिए साइन एग्रीमेंट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जो भी आपने यहाँ पर जो रजिस्टर्ड किया है मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी कोड आएगी 6 डिजिट का, जो कि ऑटोमेटिक फिलअप भी हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर साइनअप के नाम के ऊपर क्लिक कर देना और आपका लोन एग्रीमेंट यहाँ पर वेरीफाई साइन हो जाएगा ओटीपी के बेस पे। अब नीचे में आपको डन वाले बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पर लोन एग्रीमेंट फाइनली वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम यहाँ पर कुछ इस तरह से देखेंगे। अभी एप्लीकेशन काफ़ी स्लो है तो हमें यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हैंग भी कर रही है। चलिए दोबारा डन वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है भाई साहब। यहाँ पर देख सकते हैं 7,000 का लोन पूरे 4 महीने के लिए। हमने यहाँ पर ईएमआई प्लान वगैरह सारा चीज़ चूज कर लिया है। ईएमआई ऑटो डेबिट भी हो चुकी है, ठीक है। लोन एग्रीमेंट भी साइन अप हो चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल जो लोन अमाउंट जो डिसबर्स होगा, जैसे कि देख सकते हैं फिलहाल इन प्रोग्रेस में है, ठीक है।
ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर नहीं हुए, हो सकता है 10-20 मिनट का इधर उधर लग सकता है, तो इतने देर तक मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगा ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे। तो ये है लोन अप्लाई करने का मनी व्यू का प्रोसेस 2024 के अंदर में, किस तरह से आप लोन लेते हैं तो आपकी लोन की लिमिट बढ़ती है, लोन की रीपेमेंट करते हैं तो किस तरह से आपकी सिविल बढ़ती है, वो चीज़ यहाँ पर दोस्तों बहुत मैटर करता है। मैंने पिछले टाइम आपको 5000 का लोन लेकर दिखाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ड्यू डेट आ रही है, यानी पहला इंस्टॉलमेंट 5 अगस्त 2024 को। डिटेल यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए, लोन कवर डिटेल दिखा जाए तो आप देख सकते हैं 7000 का लोन है, 1883 रुपये प्रति मंथ ईएमआई जा रही है, यहाँ पर ऑटो डेबिट यहाँ पर इनेबल लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ आपके सामने ऑप्शन आ जाती है, भी ईएमआई डिटेल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं कि आपकी कब कब आपकी ईएमआई प्लान चल रही है वो आप देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल हुई नहीं है, लेकिन 7000 रुपये के लिए अप्लाई किया गया 22 जून 2024 को, ये वीडियो रिकॉर्ड भी की जा रही है, और पहली ईएमआई निकल के आ रही है 5 अगस्त, दूसरी 5 सितंबर, तीसरी 5 अक्टूबर और आखिरी जो है ईएमआई 5 नवंबर को, यानी 4 ईएमआई में लोन की रिपेमेंट करके क्लोज कर देना, फाइनल लिमिट दोबारा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप पेमेंट करेंगे लोन की, वाकई में लेन देन करेंगे, तो आपका लोन की लिमिट और आपके सिविल में बढ़ोतरी जरूर दिखने को मिलता रहेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस लोन अप्लाई करने का, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये आधार पैन के बेस पर लोन लेकर आपको दिखाया गया है।